उसमें देखो फेसबुक आईडीज तो सब यूज करते हैं, लेकिन कुछ जो फेमस पर्सनैलिटी हो जाए जिसको मतलब पब्लिक फिगर कहते हैं, तो वो जो है कुछ पेजेस चलाते हैं, ठीक है, वहां पर कुछ पिक्चर्स वगैरह तो बंदा अपलोड कर लेता है, लेकिन जो वीडियोस होती हैं वो अपलोड करता है, तो उसके जो थंबनेल होता है, जैसे कि हम यूट्यूब चलाते हैं वहां पर एक थंबनेल चीज होती है। वालेकुम, तो क्या ले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों देखो, फेसबुक और यूट्यूब तो हम सभी यूज कर रहे हैं। आप अभी यहाँ पर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल आप देख रहे हो यूट्यूब पर, ठीक है। अब जैसे ही आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया होगा, उसके सामने आया होगा थंबनेल, ठीक हो गया। अब ये जो YouTube पे जो थंबनेल का तरीका है, ये तो बिल्कुल इजी, अपलोड करने के वक्त ही जो है ना ये थंबनेल का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन जो Facebook की वीडियोस होती हैं या Facebook पे जो पेजेस होते हैं उन पे जो वीडियोस अपलोड होती हैं उन पे थंबनेल वगैरह जो है वो कैसे लगाए जाते हैं, कुछ बंदे हैं जिनको नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो में आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ कि वहाँ पर जो थंबनेल है वो कैसे लगाए जाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी तस्वीर जो है ना थंबनेल पर आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी वीडियो चला लेते हो Facebook पर, उसके जो थंबनेल होते हैं जहाँ पर कुछ मतलब जैसे पिक्चर नुमा होती है उस पर कुछ लिखा हुआ भी होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली वीडियो अपलोड करोगे तो कोई ना कोई उसका पार्ट उसका थंबनेल बन जाएगा, लेकिन अलग से अगर आप अपनी मर्जी से थंबनेल लगाओ तो वो कैसे होगा, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को चलते चलते लाइक और शेयर तो दोनों कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लास्ट में से सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम इसके चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यार देखो, फेसबुक पे अगर कोई बंदा वीडियो पोस्ट कर रहा है तो देखो मेहनत तो एक ही लगती है, वीडियो बनाने में मेहनत एक लगती है, लेकिन ये है कि यूट्यूब की निस्बत फेसबुक पे व्यूज ज्यादा आते हैं। देखो, आम बंदा कोई भी फेसबुक तो चलाते चलाते, जिसको पढ़ने नहीं भी आता वो भी फेसबुक चलाता है, और जितनी फेसबुक पे वायरल वीडियो जाती है उतनी यूट्यूब पर नहीं जाती, समझो। तो ऐसा होता है कि भाई बंदे को पता चले कि ये वीडियो कौन सी हो, तो उसके लिए लाजमी थंबनेल होना चाहिए। अगर आपकी वीडियो का कोई पार्ट ही आपका थंबनेल बन जाए तो मज़ा नहीं करेगा। अलग से अगर कोई आप थंबनेल बनाओ और उस वीडियो पे लगा दो, फेसबुक पे जो उसका ऑफिशियल मतलब एप्लीकेशन है वहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन थंबनेल का नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी उनकी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट तो मतलब एक साइट हो गई, तो वहाँ पर जाके आप फेसबुक के सारे पेजेस का जो भी सीन है सारा अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हो। उसकी जो आप अगर जो अर्निंग कर रहे हो तो वो भी सारी चीज़ें आप उसमें समझ सकते हो, भाई मेरे कितना रेवेन्यू हुआ, कितना हुआ और व्यूज़ कितने आए, कहाँ कहाँ से व्यूज आए। जैसे ही मतलब आप YouTube पे पता चलता है ना, भाई यहाँ यहाँ से व्यूज आए, इतने व्यूज आए और इस वीडियो से इतने सब्सक्राइबर आए, तो ऐसे ही Facebook पेजेस के जो भी मतलब इस वीडियो से भाई इतने मेरे फॉलोअर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े या इतने कमेंट्स वगैरह, सारी चीजें आप वहां पर हैंडल कर सकते हो। तो वो जो लाइट चली गई यार, यार तो सॉरी टू से लाइट चली गई, लेकिन वीडियो बनानी है लास्ट में, तो मैं आपको बता चलूँ कि जो मतलब वो भी सारी चीज़ें उसको हैंडल कैसे किया जाए, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिंपली करके बता रहा हूँ। तो वीडियो को यार लाइक लाजम से कर देना। तो बिना टाइम इसकी चलिए जो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके पास चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर आपको क्रिएटर स्टूडियो सर्च करना है सिंपली। तो आप जैसे ही आपके सामने यहाँ पर जो पहला साइट आएगा फेसबुक की तरफ से, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा यार जो है ना सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे मतलब कुछ इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू विथ मतलब जो भी आ रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप वो सिलेक्ट करोगे दोबारा वही ऑप्शन आएगा, दोबारा आपसे आपको जो है ना कंटिन्यू करना है। तो वहाँ पर अभी जैसे ही कुछ वहाँ पर ऑप्शन आ जाए, तो यार अभी देखो मैं जो है ना एडिटिंग के दौरान ये जो है ना इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रीन छोटी नज़र आ रही है मुझे, इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप सिंपली जो है ना आप समझते जाना कि कहाँ कहाँ पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो यार, जैसे वो इंटरफेस आता जाएगा आप खुद समझते जाओगे कहाँ कहाँ पर जो है ना मुझे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको कोई पोस्ट वगैरह का ऐसा कोई ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी जितनी भी पोस्ट वगैरह वो सारी सिंपली वहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरी कोई रिसेंटली कोई वीडियो, सब में मेरा थंबनेल लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब जैसे मुझे किसी में भी थंबनेल लगाना होगा तो मैं सिंपली उस वीडियो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं उस वीडियो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको साइड में एक लेफ्ट हैंड पे पहले नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को एडिट पोस्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पर जैसे आप वहाँ पर की सारी देखने को मिल जाएगी। ये जो है ना फेसबुक की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है वहाँ पर आपको कोई भी सीन नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर जैसे आप थंबनेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा एड इमेज का, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब में होता है।
तो एड इमेज पे जैसे ही आप अपना क्लिक करोगे तो ये सिंपली आपके जो फाइल मैनेजर्स वगैरह जो होती है, मतलब सिलेक्ट एन इमेज, तो वहाँ पर आपको चले जाएगा। आप यहाँ पर ब्राउज पे ओपन कर क्लिक करोगे तो आपकी सारी जो पिक्चर्स वगैरह होगी वो सारी गैलरी से आपके आ जाएंगे। तो आप सिलेक्ट करके सिंपली जो है ना अपना थंबनेल लगा सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली सेव कर देता हूँ, मैंने फिलहाल कोई भी थंबनेल वगैरह अपलोड जो है वो नहीं किया है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बता चलूँ। यूट्यूब पे जितना मतलब जैसे जैसे आपके रेवेन्यू वगैरह कहाँ से कितने व्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके मतलब फेसबुक का जो पेज है यहीं से हैंडल कर सकते हो और देख सकते हो। यहाँ पर जैसे मेरे व्यूज़ होते हैं भाई कहाँ कहाँ से, ज़्यादातर जो मेरे व्यूज़ हैं वो सिंध से ज़्यादा हैं, कुछ बलूचिस्तान से आए हैं। बलूचिस्तान में मेरी एक वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी, कुछ मतलब स्कूल की प्रमोशन की थी, वहाँ के मतलब कुछ बलूचिस्तान के व्यूज़ आए थे, बाकी सारे के सारे सिंध के आए थे। और जेंडर भी अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर मेल और फीमेल के जो हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको रेजिस्ट नज़र आएंगे कौन कहाँ तक मतलब जो है ना रैंक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी वीडियो अपलोड यहीं से ही कर सकते हैं। ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर अपलोड वीडियोस, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सिंपली आप यहाँ से भी अपनी वीडियोस को थंबनेल वगैरह लगा के एज अ वीडियो जो है ना यूट्यूब के जैसे अपलोड कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो होगी वो आपको लास्ट में समझ में आ गई होगी। पहले जब मैं वीडियोस वगैरह अपलोड किया करता था तो मुझे थंबनेल का ऑप्शन कभी भी नहीं पता था। मैं फेसबुक पे यूट्यूब पे जब भी अपलोड कर दिया करता था तो वहाँ पर अपलोडिंग के टाइम ही थंबनेल का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन फेसबुक पे उनका जो एप्लीकेशन होता है वहाँ से जब अपलोड किया करता था ओनली ऑन सिर्फ टाइटल वगैरह का ऑप्शन आता था, उसके अलावा किसी भी चीज़ का ऑप्शन नहीं आता था। तो ऐसे में बहुत ही मैंने रिसर्च वगैरह किया, भाई इसमें थंबनेल कैसे लगा था। मैंने बहुत से लोगों के देखे यार इनके ये देखो थंबनेल तो लगे हो तो वो कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ गई होगी। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखो, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। उसके अलावा मेरे चैनल को तो लास्ट में से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।